तो फिलहाल हम है स्विट्जरलैंड में। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी यूरोप ट्रिप का डे 10 है। फिलहाल हम है इंटरलाकन OST रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से अभी ल्यूजन जा रहे हैं बाय ट्रेन। ल्यूजन जाएंगे फिर वहाँ पे घूमेंगे। तो ये हम ट्रेन में बैठ गए हैं और जस्ट स्टेशन से हमारी ट्रेन अभी निकली है। तो ये इस तरह की ट्रेन है, ये एक रीजनल ट्रेन है जो हमें ल्यूजन तक ले जाएगी। और ये ट्रेन जर्नी की बात करें तो अभी हम इंटरलाकन से निकले हैं और ये ब्रिंस की ओर जा रहे हैं। कल भी हम ब्रिंस गए थे घूमने के लिए, तो हम ट्रेन में ही गए थे इसी रूट पे। इस रूट पे आपको राइट साइड पे लेक है, तो कल हम राइट साइड पे बैठे थे। अभी हम लेफ्ट साइड पे बैठे हैं, तो लेफ्ट साइड पे आपको इस तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा। हम अभी पहुंचे हैं ये ब्रिंस टाउन में। ब्रिंस पहुंचने के बाद हमारे ट्रेन की जो डायरेक्शन थी वो बिल्कुल रिवर्स हो गई और एक टनल क्रॉस करने के बाद हम ये पहाड़ पे आ गए। अभी हम ट्रेन में ही है और अब यहाँ से ल्यूजन जा रहे हैं बाय ट्रेन। आप सब ये नज़ारा देख सकते हो, ये ट्रेन है, ये ब्रिंस के बाद ऊपर पहाड़ से जाती है। तो ये पहाड़ पे भी स्नोफॉल हुआ है, ये पहाड़ पे ऐसा स्नोफॉल है, अभी विंटर का एंड है तो यहाँ पे ऐसा नज़ारा है। स्नोफॉल भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है और ये ऑलरेडी हुआ है, तो यहाँ पे स्नोफॉल स्नो से पूरा कवर है। नीचे का जो एरिया था ग्राउंड पे वहाँ पे स्नो नहीं था, लेकिन यहाँ पे अभी जो ट्रेन एक्चुअली पहाड़ के ऊपर है तो यहाँ पे स्नो है।
हमारी ट्रेन अभी बीच में एक स्टेशन पे रुकी है। ये स्टेशन एक्चुअली पहाड़ों के बीच में है और काफी हाइट पे भी है, तो यहाँ पे भी आपको स्नो दिखेगा। ये विंटर का है, नीचे स्नो नहीं था लेकिन ऊपर तो यहाँ पे स्नो है, और ये दो पहाड़ों के बीच में है और हाइट पे स्टेशन बना हुआ है, और उसका नजारा काफी सुंदर है, और ये आपको इस तरह से दिखेगा। तो एक काफी ब्यूटीफुल व्यू है, जो हमारी जो ट्रेन है वो पहाड़ के ऊपर से ही जा रही है, और सामने भी एक पहाड़ है, और ये पहाड़ों के बीच में ये लेक है, और लेक साइड पे गांव है छोटा सा। ये काफी ब्यूटीफुल व्यू है। तो हमारी जो ट्रेन है अब ये पहाड़ से नीचे की ओर उतर रही है, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है अभी। और अब तक की जो ट्रेन जर्नी थी वो हमारे लिए काफी अनएक्सपेक्टेड थी, हमने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। ब्रीन से ट्रेन चली, उसके बाद वो बिल्कुल पहाड़ के ऊपर गई और ऊपर चलती रही थोड़ी देर तक, पहाड़ पे ही चलती रही, और वो पहाड़ क्रॉस करके हम ये ऑपोजिट साइड पे अभी यहाँ पे नीचे की ओर आए हैं ये स्टेशन पे। तो अभी हम यहाँ पे जिसविल स्टेशन पे पहुंचे हैं, तो जिसविल से हम अभी आगे निकल चुके हैं, और हमारा और ट्रेन का जो लास्ट स्टॉप है वो है ल्यूजन सिटी, तो उसकी ओर। फिलहाल हम अभी ट्रेन में ही है, और अब हमारा डेस्टिनेशन ल्यूजन है, वो थोड़ी देर में आने ही वाला है। और अब जैसे जैसे हम ल्यूजन के नज़दीक पहुँचे, मैं आपको कुछ इस तरह का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा। ये ट्रैक है, रेलवे ट्रैक, और उसके बाजू में ज़्यादातर जो रोड होता है वो रेलवे ट्रैक के बाजू में ही बनाया गया है, तो इस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। इस तरफ भी पहाड़ है पीछे, और दूसरी तरफ यहाँ पे भी पहाड़ है। एक्चुअली दोनों पहाड़ के बीच में सही है, ट्रैक पर रोड भी है, तो रास्ता उस ज्यादातर रास्ता आपको इस तरह से ही दिखेगा। और वहाँ पे अभी एक लेक भी आया है, तो इंटरलाकन से ल्यूजन तक आप ट्रेन लोगे तो बीच में पहाड़ और दो तीन लेक भी आएंगे, आपको बहुत ही अच्छा नजारा देखने को मिलेगा। ट्रेन बोर्ड करो तो यहाँ पे सीट नंबर वाला एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सीट नंबर वाला इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले है, अगर सीट रिजर्व होगी तो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, अगर ग्रुप बुकिंग होगी तो इस तरह का एक होगा। इस
तरह का स्टिकर ग्रुप बुकिंग के लिए वो विंडो पे लगाएंगे, तो बोर्ड करते समय देख लेना अगर रिजर्व होगी तो आप वहाँ पे नहीं बैठ सकते। अगर आपने सीट रिजर्व नहीं की तो नॉर्मली जो आप टिकट बाई करते हैं उसमें सीट रिजर्व नहीं होती, तो जो खाली सीट है उस पर आप बैठ सकते हैं, ऐसे रिजर्व सीट पर आप नहीं बैठ सकते। अगर आपने सीट रिजर्व कराई है एडवांस में तो अपनी सीट पर आप बैठ सकते हैं। तो हम एंटर कर चुके हैं ल्यूजन सिटी में, सेंट्रल रेलवे स्टेशन है ल्यूजन सिटी का, जहाँ पे हम उतरने वाले हैं, वो अब थोड़ी देर में आने ही वाला है। ये है ल्यूजन सिटी का सेंट्रल रेलवे स्टेशन जहाँ पे हम अभी आए हैं। हमारी 2 घंटे की जो ट्रेन राइड थी वो खत्म हो चुकी है और हम पहुंच चुके हैं ल्यूजन। मेरे पीछे ल्यूजन का रेलवे स्टेशन है। और जो ट्रेन टिकट की बात करते हैं, हम इंटरलाकन से बैठे थे ल्यूजन के लिए, तो ट्रेन टिकट की प्राइस 36 स्विस फ्रैंक है, जो हमने ऑनलाइन ही बुक की थी, SBB की ऑनलाइन वेबसाइट भी, या फिर आप ऐप से कर सकते हैं। हमने एप्लीकेशन डाउनलोड की और उसमें अकाउंट भी हमारा बनाया था, तो उससे हमने कर दी थी। तो आप एक अकाउंट से मल्टीपल टिकट बुक कर सकते हैं। और जो जर्नी थी वो अनएक्सपेक्टेड जर्नी थी हमारे लिए, क्योंकि हमने सोचा नहीं था एक्चुअली वहाँ पे इंटरलाकन से वो ट्रेन ब्रीन स्टेशन तक जाती है, उसके बाद वहाँ से वो माउंटेन से ऊपर से जाती है और बीच में वापस नीचे आती है जिसविल स्टेशन पे। और वहाँ पे एक्चुअली स्नो था ऊपर हाइट पे, तो वो माउंटेन के बीच में से ट्रेन गुजर रही थी और वहाँ पे स्नो भी था, तो वो हमारे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। और एक्चुअली ट्रेन का जो व्यू था वो काफ़ी मज़ेदार था, और माउंटेन के ऊपर और ऊपर स्नो भी था, तो काफ़ी मज़ा आया उसमें। अगर आप ल्यूजन और इंटरलाकन के बीच ट्रैवल कर रहे हैं तो ये ट्रेन ज़रूर लेना, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा उसमें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।